ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है कि जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ मेरे कमरे की सफाई करो और विश्व की बादशाही तेरी। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा ज्ञान सस्ता है कि हम बाबा के रूम की सफाई करेंगे और विश्व की बादशाही बाबा हमको दे देंगे। लेकिन बाबा के साथ रहते रहते और ये बाबा के रूम में रहने के कारण मुझे बहुत कुछ सीख मिली। सबसे पहली सीख तो ये मिली और मुझे पहचान मिली कि माता पिता शिक्षक सतगुरु बाबा कैसे हैं प्रैक्टिकल में। यूँ तो हम गाते थे तुम्ही हो माता अश्य पिता, लेकिन परम धाम में बैठ कर के उसकी अनुभूति तो यहाँ नहीं हो सकती है कि बाबा परम धाम में हो और हम अनुभव करें। ये अनुभूति साकार में जब आते हैं तो साकार के द्वारा ही अनुभव होता है। तो सर्वप्रथम बाबा ने माँ के रूप की पहचान दी। मेरी तबीयत खराब हो गई, चेचक निकल आई, तो बाबा मुझे गाय के दूध से स्नान कराते थे। तो माँ ही बच्चे का स्नान करा सकती है, कहते थे बच्चे ये शीतल दूध तुम्हें शीतल कर देगा। तो शीतला माँ कहें, बड़ी माँ कहें, तो माँ का रूप बाबा का मैंने देखा। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुमको बड़े तवे पे रोटी बनानी आती है? तो मैंने कहा, बाबा मैंने बनाया नहीं है, बाबा मुझे भंडारे में ले गए और ले जा कर के बड़े तवे पे रोटी कैसे पकाई जाती है वो सिखाया। तो माँ ही अपनी बच्ची को सिखाती है। और मम्मा उस समय बॉम्बे में थी, जब मम्मा बॉम्बे से आई तो बाबा ने परिचय कराया। जब परिचय कराया तो बाबा खुद बोले कि देखो, माँ बच्चे का परिचय बाप से कराती है और यहाँ बाप बच्ची का परिचय माँ से करा रहा है। तो एक विशेष बात है कि बाबा के द्वारा अनुभव किया, बड़ी माँ छोटी माँ, तो माँ का अनुभव बाबा ने कराया।